हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब तो जीएसटी लगता है, ग्रॉस एनुअल टैक्स है ना। इससे पहले लगता था बैड टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, बहुत सारे टैक्सेस होते थे। तो आपकी बुक में बैड टैक्स और सेल टैक्स है ना, वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स और सेल्स टैक्स, इसमें एक्सरसाइज दे रखी है। आज हम वो सीखेंगे कि किस तरह से बैट और सेल टैक्स को प्राइस में ऐड करती हैं, कैसे ऐड किया जाता है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए हम इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। द प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर इज ₹19,000। इफ़ 10% सेल टैक्स इज चार्ज, फाइंड द अमाउंट पेबल बाई द कस्टमर। कोई एसी है, उसकी कास्ट 19,000 दे रखी है और 10% उस पर सेल्स टैक्स चार्ज किया जाना है, तो अमाउंट कितना पे करेगा कस्टमर। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एसी की प्राइस दे रखी है ₹19,000, सेल टैक्स चार्ज करना है, वो कितना है 10% ऑफ 19,000। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 10/19,000 आ जाएगा, सॉरी 10/100 आएगा और इनटू में 19,000 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काटा, इस जीरो से ये काट दिया, कितना आ गया 1900। यानी जो टैक्स जाएगा कस्टमर की जेब से वो 1900 रुपीज़ जाएगा। तो कस्टमर कितना पे करेगा एसी के लिए, तो उसमें जो ओरिजिनल प्राइस है 19,000 है ना, उसमें 1900 को हम ऐड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा देख लीजिए, ये हो जाएगा 20,900 है ना। 20,900 जो है ये पैसा कस्टमर को पे करना पड़ेगा एसी ख़रीदने के लिए। ठीक है, इसी तरह से अगला करते हैं। राजीव बॉट अ फैन फॉर ₹1,836 इंक्लूडिंग 8% बैट। इसमें बैट ऑलरेडी ऐड है, तो एक्चुअल प्राइस क्या होगी। तो यहाँ पर हम एक्चुअल प्राइस को x मान लेंगे, फैन की एक्चुअल प्राइस ₹1,000 है। ठीक है, प्राइस आफ्टर बैट, ये एक्चुअल प्राइस में हम ऐड करते थे क्या बैट। बैट कितना है 8%। बैट किस पे लगेगा, एक्चुअल प्राइस पे लगेगा। एक्चुअल प्राइस x है तो 8% ऑफ x इसमें ऐड कर देंगे। तो जो प्राइस बन रहा है एक्चुअल प्राइस में बैट ऐड करने के बाद, यानी ये एक्चुअल प्राइस है और ये बैट हो गया। बैट कितना है 8%, किस पे लगता है एक्चुअल प्राइस पे लगता है। ये क्लियर हुआ। तो बैट के बाद जो प्राइस बन रहा है वो है रुपीज का 1836। ठीक है ना, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स 8% ऑफ एक्स का मतलब हो गया 8/100x और ये हो गया 1836। अब 100 की मल्टीप्लाई x में करेंगे, 100x हो गया और उसमें ये 8 ऐड कर देंगे। ठीक है, या x के अपॉन में रखेंगे तब भी बात तो वही है, जैसे चाहें आप वैसे कैलकुलेट कर लें। अपॉन में आएगा 100 और 100 की x मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100x हो गया और प्लस 8x, तो ये ऊपर है ही है, 1:1836। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 100 + 8 हो गया 108x अपॉन में आएगा 100 = 1836 है ना। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको यहाँ लिख लेंगे, 108/100 1836 आ रहा है इक्वल में। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालेंगे तो 1836 वहीं रहेगा और ये अपॉन वाला 100 है, जब ये इधर जाएगा 100 पहुंच जाएगा ऊपर और ऊपर वाला 108 वो आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 9 से काटते हैं, 9 × 9 9 × 2 = 18 9 × 2 = 18 0 आएगा क्योंकि दो नंबर एक साथ ले रहे हैं, और 9 × 4 = 36। अब किससे काटें, 12 से काट देते हैं, 12 × 12
और ये 12 बन जाए 12, 8 बचा 84 हुआ, 12 सेवन जा 84, 17 आया, यानी x इक्व टू हो जाएगा 17 × 100 रुपीज 1700, यानी कि 1700 का जो है वो फैन होगा विदाउट बैट। इज दैट क्लियर? तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। अगला करते हैं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500, सीपी 500 है, शॉपकीपर को उसमें गेन लेना है 12.5%, यानी कितने में बेचेगा वो, और उसको टैक्स भी तो भाई चार्ज करना है 15%, तो फाइनल अमाउंट क्या होगा? तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस आफ्टर गेन निकाल लेते हैं, है ना, यानी कि कॉस्ट प्राइस दे रखा है कितना, रुपीज 500, एक मिनट, कॉस्ट प्राइस 500 है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, या तो फार्मूला लगा दीजिए आप सीधे, और या ऐसे चाहें तो ऐसे कर लीजिए, तो ऐसे कर लेते हैं। इसके लिए कॉस्ट प्राइस में हमको प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, ये कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट कितना हो रहा है इसको, ये कितना है, ये 212 + 24 = 25/2% हो गया, 25/2% ऑफ 500। तो इस तरह से जो प्राइस निकलेगा वो क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस होगा, ये रुपये 500 हो गया यहाँ पर, प्लस ये 25/2, और अपॉन का जो 100 आता है वो यहाँ तो लगाना ही लगाना पड़ेगा, और इनटू 500, 20 से 20 कटा, 2 से काटेंगे तो 2.5 आएगा, है ना, ये हो गया रुपीज 500, और प्लस ये 62.5 आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसको ऐड कर देंगे 562.5 आ जाएगा इसका एसपी, कितना हो गया ये 562.5, एक मिनट, 562.5 रुपीज, ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब इस सेलिंग प्राइस पर बैट चार्ज करना है 15%, है ना, तो यहाँ लिख लेंगे प्राइस आफ्टर बैट, तो बैट के बाद प्राइस क्या होगा, तो जो प्राइस पीछे निकल के आई थी ये यहाँ पर 562.5, इसमें बैट 15% लगाना है, तो 562.5 में 15% ऑफ 562.5 लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, इसको वैसे लिखा, और इसमें हमने 15% का 15/100 हो जाएगा, और इनटू 562.5 लिख देंगे, ऐसे लिखा, उसमें एड दो जीरो हैं तो 15 की और 562.5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, तो इतना आएगा 84.375, और पॉइंट के बाद इधर 5 लिखा है, उसके बाद आगे दो जीरो डालेंगे जिससे कि इसको ऐड करने में आसानी रहे, और जब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा रुपीज 646.875, और चूँकि रुपीज जो है डेसिमल के 2 प्लेस तक होता है तो 5 को राउंड ऑफ कर देंगे, 87 का 88 हो जाएगा, तो इसका यही आंसर होगा, ठीक है ना। लास्ट है, ओ सॉरी, अगला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर रुपीज 14,900, 12% सेल टैक्स इज चार्जेबल, व्हाट अमाउंट ऑफ सेल टैक्स। तो रेफ्रिजरेटर पर 12% टैक्स लग रहा है ना, इसकी प्राइस दे रखी है, तो ये लोग आप अपने आप निकाल लेना, 12/100 मल्टीप्लाई बाय 14,900 हो जाएगा, और सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, तो ये होमवर्क में करेंगे आप लोग। फिर है अ टीवी सेट कॉस्ट रुपीज 15,660 इंक्लूडिंग बैट ऑफ 8%, ये जो रुपीज दे रखा है, प्राइस दे रखा है इसका टीवी का, कितना है 15,660, ये है ना, तो इसमें बैट जो है 8% वो इंक्लूड है, तो इससे पहले का प्राइस क्या होगा, तो पहले का प्राइस जो है बिफोर बैट हम इसको एक्स मान लेंगे, ठीक है।
तो हमने क्या किया कि बिफोर बैट की जो प्राइस है एक्स मान ली है, तो अब क्या हो जाएगा, जो एक्स था इसमें ऐड होगा कितना टैक्स, कितना 8%, 8% ऑफ एक्स ये ऐड हो जाएगा, तो निकल के आ रहा है कितना रुपीज 15,660। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा एक्स प्लस 8% का मतलब 8/100 और ऑफ एक्स का मतलब मल्टीप्लाई एक्स इक्वस टू रुपीज 15,660। ये हो गया 100 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे 100x+8 108x अपॉन में आएगा 100 और इक्वस टू में रुपीज 15,660 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगले पेज पे कर लेते हैं। तो एक्स इक्वस टू आ जाएगा कितना 15,660, 15,660 ऐसे ही, और इधर 108/100 था तो अपॉन का 100 जब इधर आएगा तो वो आ जाएगा 100 ऊपर, एक मिनट, ये 100 ऊपर आ गया और अपॉन में 108 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, अब जब इससे इसको काट देंगे, चलिए काटते हैं, किससे काटें बताओ, चलिए इसको काट लेते हैं, 9 से काटेंगे, 9 बन जा और 9 टू जा, ठीक है, अब 9 बन जा 9, 6 बचा 66 हुआ, 9 7 जा 63, 3 बचा 36, 9 4 जा 36 और एक 0। 12 से काटिए, 12 बन जा 12, ये 12 बन जा 12, 54 हुआ, 12 4 जा 48, 60, 12 5 जा 60, यानी 145 और 100, 145 की मल्टीप्लाई 100 में हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया रुपीज 14,500, यानी कि वो टीवी की जो कॉस्ट थी वो 14,500 होगी विदाउट वैट। ठीक है ना, तो इसको आप लोग कॉपी कर ले। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मैं चाहता हूँ आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू। We'll be right back.